2015 से पहले मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा क्या होता होगा किसी की ज़िंदगी में कि वो अपनी खुद की जान लेने पे आ जाए। लेकिन फिर 2015 में कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि 18 महीनों के अंदर अंदर मैंने अपनी खुद की जान लेने की कोशिश करी 3 बार। उस समय में ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपनी खुद की ज़िंदगी से उखड़ चुका हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं मरना चाहता था, लेकिन मैं बस ज़िंदा नहीं रहना चाहता था। डॉक्टर्स कहते थे कि डिप्रेशन है, और हर दिन ऐसा लगता था कि आज होगा वो दिन जब मेरे को थोड़ी आज़ादी मिलेगी इस सबसे। हर दिन ऐसा लगता था जैसे एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर मेरे को किसी पहाड़ पे चढ़ाना है पूरा जोर लगा के, और अगले दिन वही पहाड़, वही पत्थर, वही मेहनत और वही ज़िंदगी। उस टाइम पे ऐसा लगता था कि अगर किसी को एक बार सुसाइड के ख्याल आ गए तो फिर वो कभी जाते नहीं हैं, कि अब तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन अब देख लो मुझे, उस बात को 3 साल हो गए हैं और अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, बिल्कुल शांत, और इसी वजह से मैं आपसे एकदम खुले दिल के साथ इस सब के बारे में बात कर पा रहा हूँ। ये ज़रूर है कि इस सब में मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनका लव, उनका सपोर्ट, उनका पेशेंस, वो सब नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। डॉक्टर्स ने भी बहुत हेल्प करी थी मेरी, लेकिन इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट एक आदमी था और वो था मैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर बात ना करो तो वो ठीक नहीं होती, खुले दिल से इसके बारे में बात करनी पड़ती है। और कोई सुनने को तैयार हो उसी खुले दिल से तो थोड़ी उम्मीद भी मिलती है, और हमें तो पता ही है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभी भी कभी कभी अजीब से ख्याल आते हैं, लेकिन अब ये नहीं लगता कि यह ज़िंदगी का अंत है। अब मैं उसके बारे में खुले दिल से बात कर पाता हूँ, लोगों से मदद मांगता हूँ, और दिल से मदद करते भी हैं लोग। इस सब चीज़ों में मैंने एक चीज़ ज़रूर सीख ली है कि ज़िंदा तो मैं काफ़ी सालों से था, लेकिन जीना मैंने अभी कुछ साल पहले ही शुरू किया है।